हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20, एक्सरसाइज 20 डी का क्वेश्चन नंबर ये है शेवेल। और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ाने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बहुत पाप लगेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आ जाओ दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? द रेडियाई ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर रनिंग ट्रैक आर 63 मीटर एंड 70 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द ट्रैक और दूसरे में द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टू सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ट्रैक। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोला गया द रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर रनिंग ट्रैक आर 63 मीटर एंड 70 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना हमें एरिया ऑफ ट्रैक और जो है दोनों जो ट्रैक है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो फिगर से हम समझा देते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक है। एक बड़ा सा सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है और दोनों का सेंटर एक ही है। जब दो सर्किल या तीन सर्किल या उससे ज्यादा सर्किल का सेंटर एक ही होता है तो उस सर्किल को हम कंसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक, सकेंद्रीय। हिंदी में क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय। ठीक है, कंसेंट्रिक है, दोनों सर्किल का सेंटर क्या है? एक ही है, कंसेंट्रिक सर्किल है। ठीक है, और क्या लिखा है? सर्कुलर रनिंग ट्रैक आर 63 मीटर एंड 70 मीटर। दोनों का रेडियस क्या है? एक का 63 मीटर है, 63 मीटर, और जो दूसरा है उसका क्या है? 70 मीटर है रेडियस। कितना है? 70 मीटर। कुछ इस तरीके का फिगर है ना। और हमें क्या करना है? एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। ठीक है, ये जो ट्रैक है उसका हमें एरिया निकालना है। ये जो ट्रैक है इसका हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो अंदर वाला सर्किल है और जो बाहर वाला सर्किल है दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं और एक दूसरे और साथ ही सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सर्किल है, ये सेकेंड वाला सर्किल है। ठीक है, तो इसके लिए सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यहां भी पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और दो फर्स्ट वाले का एरिया सेकेंड वाले का एरिया दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। ठीक है, तो पाई का मतलब होता है 22/7, यहां आर का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाले जो रेडियस है उसका स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं 70 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाला जो सर्किल है उसका रेडियस का स्क्वायर है ना, ये वाला, और सेकेंड वाला क्या है? 63 माइनस है, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा 22/7, यहां आर का स्क्वायर मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब 63 वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया है 22/7, ये हो जाएगा 49/00, माइनस का सिंबल माइनस रहेगा, 22/7 रहेगा, 63 का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा? 33 जा 9, 36 जा 18, 36 18 हो गया, 6 7 36 37, 9 8 8 16, 1 हो गया, 7 1 8 9 हो गया, 3 9 6 9 हो गया है, 3 9 6 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ध्यान देने वाली बात यह है,
22/7, 22/7 दो बार है, इसको एक बार लिखेंगे मतलब कॉमन लेंगे, तो 22/7 का कॉमन लेंगे तो एक बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब यहां बचा हुआ क्या है, यहां बचा हुआ है 4900 बचा हुआ है, और सब्ट्रैक्ट ये तो कॉमन चला गया है, ये ना है 3969, ठीक है, इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 4900 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3969 को, तो क्या बचा हुआ है, 10 में से 9 गया, एक बचा हुआ है, ये हो गया है 89, 9 में से 6 गया, क्या था, 3 बचा हुआ है, 8 में 18 में से 9 गया, 9 बचा हुआ है, ये 931 ये बचा हुआ है, कितना बचेगा 22/7, 931, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस ऊपर नीचे से डिवाइड हो जाता है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई नीचे से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्या हो गया 7 × 1 = 7 हो गया, 7 × 2 = 9, 2 बचा 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, ठीक है, 21 × 2 = 23, 7 × 3 = 21, 133, ये है 22, 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 133 का, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है, 133 × 22 का मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, वही आएगा 1266 आएगा, 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 8, 1 = 9, 2, 2926 क्या आएगा, 2926 क्या आएगा, किसमें था, मीटर में था, मीटर स्क्वायर, एरिया है किसका, द एरिया ऑफ द ट्रैक, यही होगा फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले को, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टू सर्कमफेरेंसेस ऑफ ट्रैक, ठीक है, तो यहां तो एरिया निकालना था, तो यहां एरिया का फार्मूला लगा, अब यहां क्या निकालना है, सेकंड वाले में द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू सर्कमफेरेंसेस ऑफ ट्रैक, सर्कमफेरेंस डिफरेंस निकालना है सर्कमफेरेंस के बीच में, तो दो फार्मूले लगेंगे सर्कमफेरेंस वाले, एरिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट वाला सर्कम, फर्स्ट वाले का सर्कमफेरेंस और सेकंड वाले का सर्कमफेरेंस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमने लिखा है, ठीक है, तो अब हम करते हैं, एक है 2 × 22/7 हो गया एक, और इंटू 70, फिर माइनस 2 × 22π की जगह 22/7 r, r की जगह क्या है, एक 70 है दूसरा 63 है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 चलो 7 × 10 = 70, ये 70 है, 7 से कटेगा ये बचेगा 10, ठीक है, 7 × 9 = 63, 9 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 22 × 44 = 10 माइनस यहां है 22 × 44 = 9 क्या हो गया है, 44 × 440 यहां माइनस हो गया है, 9 × 36 = 6 बचा 3 × 36 = 37 × 38 = 39, ठीक है, 396 और 440 डिफरेंस हो गया, 440 में से 396 मतलब 396 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 440, 41 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और 13 में से 9 गया, हाँ 13 में से 9 गया 4, 44 आएगा आंसर, 44 आंसर इसका आएगा, किसका, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टू सर्कमफेरेंसेस ऑफ ट्रैक, मीटर में आएगा, मीटर में है तो मीटर में ही आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर हमने इसको नहीं समझाया है सेकंड वाले को बढ़िया, तो हम बता देते हैं क्या होता है, जो दोनों ट्रैक हैं, एक छोटा वाला ट्रैक और जो दूसरा और बड़ा वाला ट्रैक है, दोनों का जो सर्कमफेरेंस है, जो दोनों का सर्कमफेरेंस है, पहले वाले का सर्कमफेरेंस क्या है, 396 है, दूसरे वाले का है सर्कमफेरेंस क्या होता है 440,
वही उसी का दोनों का सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस क्या है 44 है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जैसे ये सर्किल है उसको यहां से नापना शुरू करेंगे, नापते नापते फिर वहीं पहुंचेंगे, तो जितनी लंबाई आएगी वही होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, देख लीजिए ये इसका आंसर। अब आई मुद्दे की बात, पास समझ में आए हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।